फ्रेंड्स, वेलकम टू द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस पार्ट 2। और अभी तक आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पास्ट में ल्यूक अपनी फ्रेंड अबीगेल से बात करता है, जिसे सभी इमेजिनरी समझते हैं कि किसी को भी उसकी बातों का यकीन नहीं होता है। और बेसमेंट में उसने जो मॉन्स्टर देखा था उसका वो एक स्केच बनाता है और अपने डैड को दिखाता है। तो उसकी मॉम उसी हॉन्टिंग हिल का कुछ सामान लेके आती हैं और लोग को एक हैट पसंद आ जाती है और वो उस हैट को ले लेता है। वहीं वो नेल को बटन्स का एक बॉक्स देती हैं। तो आगे नेल और लोग एक पुराने फोन के साथ खेलते हैं और उसमें से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और आगे लोग को उस फोन में एक बूढ़ी औरत का घोस्ट भी दिखाई देता है। तो बैक इन प्रेजेंट ल्यूक एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहता है और वो 90 डे क्लीन हो गया रहता है, मतलब उसने 90 दिन से कोई भी ड्रग नहीं ली थी। तो इसी अचीवमेंट में उसे एक स्पीच देनी होती है और वो अपने बारे में कुछ बातें बताता है। जैसे जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो वो सिर्फ 6 साल का था और उसे ये पता भी नहीं था उसकी मॉम मर गई हैं और कभी वापस नहीं आने वाली हैं, और वो अपनी मॉम का इंतजार करता था। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि उसके ड्रग लेने की वजह कहीं ना कहीं वो घोस्ट ही है जो उसे उस हॉन्टिंग हिल के बाद भी नजर आते थे। तो बैक इन पास्ट ल्यूक को उस हॉन्टिंग हिल में एक रात एक टॉल घोस्ट नजर आता है जो सबके दरवाजे खोल रहा था। तो ल्यूक जल्दी से जाकर अपने कमरे में बेड के नीचे छुप जाता है और वो घोस्ट उसके कमरे में भी आता है। और आगे जब वो घोस्ट उस कमरे से जाने लगता है तो ल्यूक के मुंह से हल्की सी आवाज निकलती है और वो घोस्ट नीचे झुककर उसे देखता है, और उसे देखने के बाद ल्यूक इतना डर जाता है कि वो तेजी से चीखता है। तो ल्यूक के दिमाग पे इस घटना ने काफी ज्यादा असर डाला था और वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ था। तो उसने इस बात से बचने के लिए एक तरीका निकाला था जिसमें वो 7 तक की गिनती गिनता था, और वो अपनी बहन नेल को भी यही चीज कहता है कि जब भी उसे डर लगे या ऐसा कुछ हो तो वो 7 तक की गिनती गिने, क्योंकि ये 7 तक की गिनती उसके फैमिली के 7 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ल्यूक और नेल के बीच में एक जुड़वा वाला कनेक्शन था, मींस एक ट्विन थिंग था, जिसके वजह से वो एक दूसरे के पेन, थॉट्स और इमोशंस को चाहे कितना ना भी दूर रहे अच्छे से महसूस कर लेते थे। तो बैक इन प्रेजेंट ल्यूक की दोस्ती अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक गर्ल से हो गई थी जिसका नाम जुई था, और जुई ने उसकी काफी हेल्प की थी उसके ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने में। तो रात में ल्यूक जब अपना गला पकड़कर एकाएक उठ जाता है, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, फिर उसे अपने सामने अपनी बहन नेल दिखाई देती है जो उसे कहती है गो। तो आगे ल्यूक को अपने गर्दन में काफी दर्द होता है और आगे उसे जोई का एक चिट्ठी मिलता है जिसपे लिखा रहता है डोंट फॉलो मी। तो जोई उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से भाग गई रहती है और उसकी वजह से ल्यूक भी वहाँ से भागता है उसे वापस लाने के लिए। तो ल्यूक उसे ढूंढता है और इसी बीच में एक बार फिर से उसे वही टॉल मैन घोस्ट दिखाई देता है, और आगे फिर उसे आखिरकार जोई मिल ही जाती है। और ल्यूक को ये पता चलता है कि जोई अपने ड्रग एडिक्शन की वजह से ही वहाँ से भाग आई है, उसे ड्रग लेने की तलब हो रही है, तो फिर इसलिए वो वापस कॉल करता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में। लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले उसे वापस लेने से दोनों को मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी रहती है कि अगर कोई भाग गया तो वो उन्हें वापस नहीं लेंगे। तो ल्यूक इसी वजह से अपने बड़े भाई स्टीव की वाइफ लेह से मिलने जाता है, और उसे पता चलता है कि स्टीव और लेह का फिलहाल ब्रेकअप हो गया है, और लेह उसे पैसे देने से भी मना कर देती है। जिसके बाद ल्यूक स्टीव के घर जाता है, उसका आईपैड और कैमरा चुराता है, और वापस आते समय स्टीव उससे मिल जाता है, और स्टीव उस सामान के बदले में उसे कुछ पैसे देता है, और इसका मेंशन भी मैंने पार्ट 1 में किया था। और फिर ल्यूक जोई के पास वापस आता है, तो जोई वॉशरूम जाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और वापस नहीं आती है, और ल्यूक को पता चलता है कि जोई ने धीरे से वो पैसे उससे ले लिए थे ताकि वो जाकर ड्रग ले सके। और यही नहीं, फिर आगे कुछ गुंडे उसको पीटते हैं और उसका जैकेट और शूज भी ले लेते हैं, और फिर ल्यूक को काफी ठंड लगती है और उसकी बॉडी भी स्टिफ होने लगती है। तो वो एक बार फिर से रिहैबिलिटेशन सेंटर कॉल करता है, और इस बार रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले मान जाते हैं क्योंकि स्टीव अपने भाई को पिकअप करने आया रहता है क्योंकि नेल की डेथ हो गई थी। और उसके बाद एक बार फिर से ल्यूक को वही लंबे आदमी का भूत दिखाई देता है और वो 7 तक की गिनती गिनता है, और फाइनली वो सोचता है कि वो इस बार उस भूत को फेस करेगा, और सरप्राइजिंगली उसे उस लंबे आदमी की जगह अपनी माँ दिखाई देती है, और उसकी मॉम कहती है कम होम माई लव, और तभी स्टीव वहाँ आ जाता है। फिर आगे स्टीव ल्यूक को बताता है कि नेल ने सुसाइड कर लिया है, जिस पे ल्यूक कहता है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं था। तो फ्रेंड्स, ल्यूक के बाद कहानी अब नेल पे फोकस करती है। तो नेल को तो पेंट नेक लेडी दिखाई देती है और उसकी बात पे उसके माँ बाप बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। तो बैक इन पास्ट नेल की मॉम उसे अपने पास बुलाकर डांटती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नेल ने अपना नाम दीवार पर लिखकर दीवार गंदा कर दिया है। लेकिन आगे थियो ये दिखाता
देखती है कि उस दीवार पे लिखा हुआ है कम होम नेल। तो नेल उस बेंट नेक लेडी को देखने के बाद जब भी सोती है तो वो टेम्परेरी पैरालाइज हो जाती है और इसी के इलाज के सिलसिले में वो आर्थर से मिलती है। तो आगे आर्थर और नेल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इनकी मैरिज हो जाती है और आर्थर उसे इस बीमारी से उबरने में काफी हेल्प करता है। तो एक रात जब नेल को स्लीप पैरालिसिस होता है तो आर्थर उसकी हेल्प करता है और उठकर बत्तियां जलाने जाता है कि तभी आर्थर को कुछ होता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। और जब नेल अपने स्लीप पैरालिसिस से बाहर निकलकर आर्थर के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। और तभी नेल को वहाँ पे बेंट नेक लेडी भी दिखाई देती है और नेल को ऐसा लगता है कि उस बेंट नेक लेडी ने ही उसके हस्बैंड को मारा है। तो आगे नेल एक साइकेट्रिक अपना इलाज करवाती है और वो डॉक्टर को हिल हाउस के बारे में बताती है। तो वो डॉक्टर को समझाता है कि उसके हस्बैंड की डेथ एनोरिज्म के कारण हुई है, जिसमें इंसान की मौत बस कुछ ही सेकंड में हो जाती है। लेकिन नेल का तो ये मानना रहता है कि ये सब बेंट नेक लेडी ने किया है। तो आगे भी नेल को वो बेंट नेक लेडी दिखाई देती है जब वो एक बार ल्यूक के साथ रहती है और वो काफी डिप्रेस्ड होती है और वो अपनी मेडिसिन लेना भी बंद कर देती है। तो नेल को तो उन घोस्ट पे यकीन रहता है, वहीं डॉक्टर तो इस बात को समझता नहीं है और वो कहता है कि नेल को अपने पास्ट को फेस करना चाहिए। और इस समय नेल का अपने बाकी भाई बहनों से भी झगड़ा होता है और उस डॉक्टर के कहने पे ही नेल ऐसा करती है कि वो जाकर स्टीव से भी झगड़ा करती है। जब स्टीव की बुक हियरिंग का इवेंट था तो वो सबके सामने स्टीव को झूठा कहती है और कहती है कि स्टीव को खुद उन बातों पे यकीन नहीं रहता है और वो झूठी बातें अपने बुक्स में लिखता है। और जब वो ये बात जाकर अपने डॉक्टर से बताती है तो डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने पास्ट को फेस करने के लिए कहा था, ना कि अपने भाई से झगड़ा करने के लिए। और फिर आगे नेल इसी वजह से उस हॉन्टिंग हिल में पहुंच जाती है। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, नेल को देखते ही उस हिल हाउस की पत्तियां जल उठती हैं और नेल जब अंदर जाती है तो देखती है कि वो हिल हाउस आज भी वैसा ही है जैसा 26 साल पहले था, लेकिन हकीकत में तो वो हिल हाउस एक खंडहर बन चुका था। तो वहां पे उसे अपनी मॉम दिखाई देती हैं जो दीवार पर लिखती हैं वेलकम होम नेल। और आगे वो ड्रेस पहनकर तैयार होती है और उसे अपने भाई बहन भी दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत में तो वहां कोई नहीं रहता है। और उसे उसका हस्बैंड आर्थर भी दिखाई देता है और वो उसके साथ डांस करती है और इसीलिए पहले एपिसोड में उसे पागलों की तरह डांस करते हुए दिखाया गया था। तो आगे उसे ल्यूक की वो इमेजिनरी फ्रेंड अबीगेल भी दिखाई देती है और वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती है तो उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है जो उसे बचपन में वादा की थी, जिसमें ल्यूक और उसकी फोटो थी कि वो बड़े होने पे उसे वो लॉकेट देंगी। तो वो उसे पहनती है लेकिन हकीकत में तो वो अपने गले में एक रस्सी डालती है। और जब नेल को ये रियलाइजेशन होता है तो उसकी मॉम कहती है कि इट्स ओके, ये केवल एक सपना है और जैसे ही वो नीचे गिरेगी ये सपना टूट जाएगा। तो चूंकि नेल उस पार खड़ी थी तो उसका पैर फिसल जाता और उसे फांसी लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ एक बड़ा खुलासा ये होता है कि वो बेंट नेक लेडी नेल ही थी जिसकी गर्दन फांसी लगाने के बाद बेंट हो गई थी और वो ही बचपन में और बड़ेपन में अपने आप को हॉन्ट कर रही थी। लेकिन अब सवाल ये था कि जब नेल अभी मरी है तो वो बचपन में खुद को कैसे हॉन्ट कर रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स वो हिल हाउस टाइम को मैनिपुलेट कर लेता था, मतलब वो उसमें रहने वालों को उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक दिखा सकता था। तो नेल भी अब मरकर उस हिल हाउस की एक होस्ट ही बन चुकी थी। तो नेल के बरियल के एक दिन पहले सभी फैमिली मेंबर्स सरली के घर पे मिलते हैं और उस दिन मौसम काफी खराब रहता है। तो सभी नेल के बारे में बातें करते हैं और इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैमिली मेंबर्स के पीछे नेल का घोष्ट भी खड़ा रहता है। तो बातों ही बातों में सभी फैमिली मेंबर्स में, मतलब भाई बहन में, बाप बेटे में आपस में झगड़ा हो जाता है, जहाँ स्टीव को ऐसा लगता है उसके डैड ने हमेशा उन लोगों से सच्चाई छुपा कर रखी है, उस आखिरी रात में क्या हुआ था अभी तक नहीं बताया और घर के सभी लोग मेंटल सिकनेस के शिकार है और उसके पिता इलाज कराने के जगह इस चीज को सच मान रहे हैं कि भूत जैसी चीजें होती हैं। वही सरली को ऐसा लगता है कि स्टीव ने ब्लड मनी बनाई है, वो अपने परिवार के बैड एक्सपीरियंस को एक बुक में बढ़ा चढ़ाकर लिखकर उससे पैसे कमाया है। और वो थियो के ऊपर भी नाराज होती जब उसे पता चलता है कि थियो ने अपने डॉक्टरेट को पूरा करने के लिए स्टीव से उस बुक के पैसे लिए थे। और वो और ज्यादा शॉक्ड तब हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने भी उस बुक के पैसे स्टीव से लिए थे, जिसके बाद वो सभी फैमिली मेंबर्स को वहां से जाने के लिए कहती है और वो रोते हुए नेल के बॉडी के पास जाती है और वो देखती है कि नेल के आंखों पे बटन्स रखा हुआ है, जिसके बाद वो नाराज होती है और पूछती है कि ऐसे सीरियस और सैड सिचुएशन पे कोई ऐसी मजाकिया हरकत कैसे कर सकता है।
तो तभी पावर ऑफ हो जाती है और सरले बैकअप जनरेटर को ऑन करने जाती है और उसके डैड जाते हैं बाथरूम में और यहीं पे सीन ट्रांसफर होके पास्ट में चला जाता है। तो उस रात हिल हाउस में जोर का तूफान आया था और सभी खिड़कियां टूट रही थी, तो सारे फैमिली मेंबर्स एक हॉल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन नेल अचानक कहीं गायब हो जाती है और सभी उसे ढूंढने लगते हैं। तो उनकी मॉम को उसी दौरान हिल हाउस के कुछ घोस्ट दिखाई देते हैं और वो कुछ पल के लिए अपने होश भी खो बैठती हैं और उनके हस्बैंड के आने के बाद उन्हें होश आता है और इसी दौरान उनके हस्बैंड को भी कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं। फिर आगे नेल मिल जाती है और उसका कहना रहता है कि वो वहीं पर थी उनके सामने और उनको आवाजें दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर बैक इन प्रेजेंट शर्ले अपने हस्बैंड और अपनी बहन थियो को एक अजीब सी सिचुएशन में पाती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनके बीच कुछ चल रहा था और उसके बाद फैमिली मेंबर्स में झगड़ा काफी बढ़ जाता है और तभी नेल की कास्केट नीचे गिर जाती है जिससे सभी शांत हो जाते हैं और हम ये देखते हैं कि नेल का भूत उसी कास्केट के पास खड़ा था, मतलब नेल के भूत ने ही उस कास्केट को गिराया था ताकि सभी शांत हो जाएं। तो अब सभी फैमिली मेंबर्स के रिश्ते में काफी तनाव आ गया था और नेक्स्ट डे नेल के बरियल पे ल्यूक को अपनी माँ और अपनी बहन दोनों की घोष्ट दिखाई देती है और बल्कि उसकी मॉम की घोष्ट तो उसे कब्र में अंदर खींचती है। तो स्टीव वहाँ आ जाता है और ल्यूक जब उससे ये बात कहता है तो स्टीव कहता है कि उसकी फैमिली में सभी को ये मेंटल सिकनेस हो गया है और ये कुछ नहीं बस उन लोगों का वहम है। फिर बैक इन पास्ट तूफान के दूसरे दिन ह्यूक को मिस्टर डडली से बातचीत करने पे ये पता चलता है कि वो तूफान सिर्फ हिल हाउस में आया था, जबकि मिस्टर डडली हिल हाउस के बस थोड़े से ही डिस्टेंस में रहते थे और वहाँ पे कोई भी तूफान नहीं आया था। तो हिल हाउस की दीवार पे काफी नमी हो गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं से वाटर लीकेज कर रहा है। तो चूंकि हिल हाउस में केवल वही रेड रूम ही नहीं खुला था, इसलिए उनका मानना ये था कि उसी रेड रूम से ही इस वाटर लीकेज का कोई कनेक्शन है। तो ह्यूक सबसे नीचे जाकर दीवारों को चेक करते हैं कि तभी उनको दीवार के अंदर से स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई देती है और उन्हें ऐसा लगता है कि दीवार के अंदर कुछ चूहे हैं। तो ह्यूक की वाइफ एक ब्लूप्रिंट बनाई रहती है उस हिल हाउस का और वो ब्लूप्रिंट सही नहीं रहता है। तो ये देखने के बाद मिस्टर डडली ह्यूक से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस हिल हाउस में उनकी मॉम पहले काम किया करती थी। वो बताता है कि आगे चलकर उसकी माँ पूरी तरीके से पागल हो गई थी, वो जंगलों में ऐसे ही नंगे पांव चला करती थी और आगे फिर उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर आगे मिस्टर डडली ने क्लैरा से मैरिज कर ली और क्लैरा भी इस हिल हाउस की एक मेड ही थी जो इस हिल हाउस के ओनर हेजल हिल का ख्याल रखती थी। तो क्लैरा भी उस हिल हाउस में देर रात तक काम करती थी और धीरे धीरे वो भी मेंटली अनस्टेबल होने लगी और यही नहीं, यहाँ तक कि जब उनको उनका पहला बच्चा हुआ तो वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। और एक रात जब वो उस हिल हाउस में काम कर रही थी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और आगे चलकर मिस्टर डडली को भी दूसरे दिन उस बच्चे की आवाज सुनाई दी और उसी के बाद से वो दोनों लोग रात में उस हिल हाउस में आना और काम करना बंद कर दिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वो रोते हुए बच्चे की आवाज उनके उसी मरे हुए बच्चे की थी। तो मिस्टर डडली ह्यूक को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी वाइफ ओलिविया को कुछ दिन का ब्रेक देना चाहिए और उन्हें इस हिल हाउस से दूर भेज देना चाहिए। फिर आगे ह्यूक स्टीव के साथ मिलकर दीवार का मोल्ड सुखाने की कोशिश करते हैं और इसी में उनका हाथ कट जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में जाकर उस रेड रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। और फिर रात में जब ह्यूक सो रहे थे तो उनकी अचानक नींद खुलती है और वो देखते हैं कि उनकी वाइफ ओलिविया उनके ऊपर बैठी हुई थी और उनके गले पे स्क्रू ड्राइवर लगाई हुई थी। फिर वो स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ से ले लेते हैं और ओलिविया रोने लगती है और कहती है कि उन्हें एक बुरा सपना आया था। फिर आगे ही ये समझ जाते हैं कि उनकी वाइफ की दिमागी हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही है और उन्हें इसके लिए कुछ करना होगा। फिर आगे ही उसको एक बार फिर से उस दीवार के पीछे से स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस दीवार को तोड़ देते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक इंसान का कंकाल था, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताती है कि वो कंकाल विलियम हिल का है जो 1948 से मिसिंग था। कंकाल के पास से दीवार बनाने का औजार भी मिला, तो जिससे पुलिस ये निष्कर्ष निकालती है कि उस आदमी ने खुद ही दीवार बनाकर खुद को कैद कर लिया था और शायद मरने के पहले जब उसे ये एहसास हुआ होगा कि वो मरने वाला है उस दीवार में कैद होकर, तो वो दीवार को अंदर से स्क्रैच करने लगा था। और ये सुनकर ह्यूक शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि दीवार को स्क्रैच करने की आवाज़ तो उन्हें अभी तक आती थी। तो बैक इन प्रेजेंट ह्यूक अपनी वाइफ ओलिविया को हमेशा ही अपने आसपास इमेज करते थे और उनसे अक्सर बातें किया करते थे। फिर आगे ह्यूक को और थियो को ओलिविया का घोष्ट भी दिखाई देता है जो उनकी तरफ रेंगते हुए आता है और उसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। फिर आगे सरली को पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड गायब है और साथ ही थियो की गाड़ी भी गायब है और उन्हें ये पता चलता है कि ल्यूक उसका क्रेडिट कार्ड और गाड़ी लेकर कहीं चला गया है। तो फ्रेंड्स ल्यूक क्या रहता है इन सब ट्रेजेडी की जड़ मिटाने के लिए, यानी उस हिल हाउस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फ्रेंड्स
सेंस क्या लूक ऐसा कर पाएगा या वो भी इस हिल हाउस की बलि चढ़ जाएगा? और आखिर उस आखिरी रात में ऐसा क्या हुआ था? ये सारी बातें आपको इस वीडियो के लास्ट और थर्ड पार्ट में पता चलेंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।